सुखमय बच्चों, तो यहाँ पर देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्रिया के बारे में बताया। क्रिया क्रिया माने इंग्रेज में वर्ब माने एक्शन वर्ब। क्रिया करने की बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया क्रिया कार्य या काम कराने की बोध देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अब मैं उसी क्रिया के प्रेरक क्रिया रूप को आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये 9th 10th में ये बहुत ही जरूरी है। इवन 10th में भी आप लोगों को मल्टीपल माने एमसीक्यू क्वेश्चन में ये प्रश्न कंपलसरी रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग आप लोगों को यही में हुई है 9th में ऐसा नहीं, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप माने 10th के लिए 100 में से 100 अंक के लिए 8 में से 1 से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वहां पर सिर्फ मुझे पार्ट पढ़ने क्वेश्चन आंसर पढ़ने और पार्ट समझने बस उतना समझ रहे हैं। ग्रामर पॉइंट जो व्याकरण पॉइंट जो है आप लोगों को यही से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सीखे चले। देखो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियारूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी के व्याकरण। प्रेरणार्थक क्रिया प्रेरणार्थक क्रियारूप का अर्थ क्या है? प्रेरणार्थक क्रियारूप है जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करते हुए माने काम जो है क्रिया जो है वो स्वयं हमें खुद कर दे। सो स्वयं खुद करने क्रिया को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया को कर्ता स्वयं न करते हुए किसी और को माने दूसरों को करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। माने यहाँ पर कर्ता स्वयं न करते हुए दूसरों को करने के लिए वही क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। तो माने समझ में आ गया देखो यहाँ पर कर्ता स्वयं क्रिया न करते हुए दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरणा करे तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। देखो यहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया रूप के दो भेद है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप एंड द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रेरणात्मक रूप माने कर्ता स्वयं न करते हुए दूसरों को क्रिया करने के लिए या काम करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया रूप की दो भेद है, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया एंड द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। सो यहाँ पर आप लोगों को दो प्रथम प्रेरणात्मक द्वितीय प्रेरणात्मक माने आप लोगों को एग्जाम में मूल रूप देकर माने पढ़ना आते हुए द्वितीय रूप लिखो या प्रथम रूप लिखो जो मूल रूप के माने क्रिया जो मूल रूप में होता है इसे धातु कहते हैं या क्रिया रूप कहते हैं। मैं यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाया आप लोगों को, यहाँ पर लिखो जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है वो एक सिर्फ क्रिया माने कर्ता स्वयं करने वाले एक धातु, कर्ता स्वयं करता है करना रोना चलना जगत जगना देना पढ़ना एंड खाना। सो ये सब पहले कॉलम में जो है वो सब कर्ता स्वयं करने वाले। सो इसकी प्रेरणा प्रथम व्यक्ति को अगर वो प्रेरणा करे तो उसे प्रथम प्रेरणात्मक रूप कहते हैं। माने क्या तो वो प्रथम व्यक्ति किसी लिए द्वितीय व्यक्ति को वही काम करने के लिए प्रेरित करे तो वो द्वितीय प्रेरणात्मक रूप होता है। समझ में आ गया होगा। देखो फर्स्ट कॉलम में जो है वो कर्ता स्वयं करने वाले माने हम स्वयं जो काम करते हैं वो धातु है, यहाँ पर क्रिया के धातु यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा है। सो सेकंड कॉलम में प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप माने खुद से प्रेरित होकर अगला व्यक्ति करने वाला माने मैं कहूंगी तो लड़के अध्यापक जी ने कहा पढ़ो लड़के पढ़े। सो यहाँ पर देखो द्वितीय प्रथम प्रेरणात्मक रूप में मैं कर्ता स्वयं किसी को करने के लिए कहना और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप में कर्ता किसी और से तीसरे को प्रेरित करना क्रिया करने के लिए। देखो अगर मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपको लेती हूँ करना कराना करवाना करना कराना करवाना इसमें यहाँ पर देखो क्रिया के रूप करना प्रथम कराना अध्यापक जी ने कार्य किया कराया बच्चों से कार्य कराया। सो करवाना अध्यापक जी ने छात्रों से कहा कि उस लड़के को पढ़ाए माने करवाना। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पहला व्यक्ति दूसरा तीसरा व्यक्ति माने स्वयं प्रथम एंड प्रथम स्वतः कर्म करना धातु और पहले खुद से प्रेरित होकर पहले व्यक्ति को करवाना प्रथम प्रेरणात्मक पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करना वो द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। सो देखो रोना रुलाना रोना रुलाना रुलवाना रोना रुलाना
डुलवाना एंड हिंदी में चलना चलाना चलवाना चलना चलाना चलवाना। तो यहाँ पर देखो तो लड़के ने अपने दोस्त की सहायता से गाड़ी चलवाना सीखा। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन माने प्रथम व्यक्ति एंड द्वितीय व्यक्ति। सो यहाँ पर कर्ता होता है, यहाँ पर प्रथम व्यक्ति आता है और यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति आता है। सो जगना जगाना जगना जगाना जगवाना जगवाना जगना जगाना जगवाना एंड देना दिलाना देना दिलाना दिलवाना देना दिलाना दिलवाना एंड देन उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना एंड देन उसे खाना खिलाना खिलवाना खाना खिलाना खिलवाना खाना खिलाना खिलवाना। देखो यहाँ पर है प्रेरणात्मक रूप माने कर्ता स्वतः ना करते हुए स्वयं ना करते हुए प्रेरणा देते हुए प्रथम व्यक्ति से कराया तो वो प्रथम प्रेरणात्मक रूप, उसी की प्रेरणा से दूसरा व्यक्ति वो काम करे तो वो द्वितीय प्रेरणात्मक रूप। सो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम में प्रथम प्रेरणात्मक रूप देकर द्वितीय पूछ सकते हैं या तो द्वितीय रूप देकर आप लोगों को प्रथम प्रेरणात्मक रूप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्वितीय प्रेरणात्मक करवाना देकर आप लोगों को इसका प्रथम प्रेरणात्मक रूप लिखिए तो कराना। आप लोगों को हमेशा ये तीनों फर्स्ट फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सो इंडिविजुअली फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन माने स्वतः प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति तीनों को आप लोगों को एक तरह से बैठ करके रखना। तो माने बीच में किसी को देंगे तो बीच का व्यक्ति बीच का माने प्रथम प्रेरणात्मक रूप देंगे तो आप लोगों को मूल रूप याद रखनी है और द्वितीय रूप भी आप लोगों को याद रखनी है। या तो द्वितीय प्रेरणात्मक रूप देंगे तो प्रथम और मूल ये दोनों भी आप लोगों को जुबान याद रहना चाहिए। ऐसा रहेंगे तो आपको जट से आप लोग उसका माने ये मल्टीपल चॉइस में देते हैं प्रश्न, इसकी वजह से क्या होता है मल्टीपल चॉइस में तीनों में आप लोगों को ऐसा नियरेस्ट ऑप्शन देते हैं माने आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए तो वहां पर भी पर्टिकुलर आंसर उसका कौन सा है। इस तरह से आप लोग अगर बैठ करके लगोगे तो वहां पर आप लोगों को बिना आंसर को देके वहां पर मल्टीपल चॉइस में बिना देके आप लोग जल्द से आंसर लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है वहां पर ऑप्शन सही ऑप्शन से आंसर का ऑप्शन रहता ही नहीं तो आप लोगों को वहां पर सोच समझ कर क्योंकि यहाँ पर वन वर्ड आंसर करके आप लोग निगलत करते हो लेकिन वन वर्ड आंसर ही आप लोग पक्का मार्क्स ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एमसीक्यू 10 मार्क्स का है तो अगर आप लोग करेक्ट आप लोगों को 10 मल्टीपल चॉइस में सिलेक्ट करोगे तो सही आंसर आप लोग चुनोगे तो 10 में से 10 आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग वन वर्ड आंसर दो मार्क्स के प्रश्नों में थोड़ा सा भी गलत किया तो आप लोग पूरा मार्क्स नहीं ले पाओगे। इससे आप ग्रामर को माने व्याकरण को कभी निगलत मत करो। देखो यहाँ पर मैं क्रिया के बारे में संज्ञा के बारे में आप लोगों को समझाई सर्वनाम हुआ क्रिया हुआ अब प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया रूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है माने यहाँ पर एक क्रिया को कर्ता स्वयं ना करते हुए आप प्रेरणा से दूसरों को करवाता है इसे प्रेरणात्मक क्रिया रूप कहते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया रूप के दो भेद है प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया रूप द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया रूप। सो क्रिया के मूल रूप को प्रथम प्रेरणात्मक रूप में और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप में मैंने यहाँ पर बदल बदल कर लिखा है। आप लोग देखो करना कराना खोपाना रोना रुलाना रुलवाना चलना चलाना चलवाना जगना जगाना जगवाना देना दिलाना दिलवाना पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना उसके साथ साथ खाना खिलाना खिलवाना। इस बस यही इतने ही नहीं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को किताब में मिलेंगे। आप ऐसे क्रिया शब्दों को लेकर उसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक मिनिमम 20 प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप को माने क्रिया के मूल रूप को प्रथम में और द्वितीय में बदल कर लिखोगे तो आप लोग ये जुबान याद आ जाएगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रेरणात्मक क्रिया रूप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक काम करो ऐसी क्रिया शब्दों का एक लिस्ट बनाकर उसका प्रथम और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप में आप लोग उसे लिख कर माने आप लोग एक ग्रामर नोट्स रखो उसमें जो जो ग्रामर अब तक मैंने किया है संज्ञा किया है सर्वनाम क्रिया है क्रिया किया है क्रिया विशेषण किया है और उसके बाद आप लोगों को
इन पांचों ग्रामर माने व्यापार अंशों को आप लोगों के ग्रामर में से रहना चाहिए, आप अच्छी तरह से नीट हैंडलिंग पे सो इसे आप लोग करते रहोगे, आपको आपके लिए भी आप अच्छा रहेगा ये मेरे लिए भी, क्योंकि ये व्यापार अंश से ही हम लोग एक भाषा को सीख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, ऐसा समझते हुए मैं अपना वीडियो यही पर समाप्त करती हूँ। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को